आप सभी का फिर से एक नए इन्फॉर्मेशन वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप सभी का बहुत सारा कमेंट आया कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में हम लोग कैसे क्या करें, मतलब कि बहुत सारे प्रॉब्लम आपके साथ हो रहे हैं, RCS नंबर और वगैरह वगैरह। तो हम लोग आज जो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग मुख्य 6 टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग का जो पहला टॉपिक है वह PMMY अकाउंट डेबिट कैसे, मतलब कि आप लोगों का जो PMM में आप लोग अकाउंट जो डेबिट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि क्रेडिट नहीं कर पा रहे हैं, कैसे आप लोग को अपडेट करनी है इसके बारे में आप लोग को पहले बताना। दूसरा आप लोगों का है सिटीजन लॉगिन नहीं हो रहा है, कैसे आपको सर्च करनी है। दूसरा तीसरा हम लोग का है PDF या इमेज हम लोग कैसे अपलोड करेंगे। चौथा हम लोग का है कि PMM में कितना पैसा मिलता है, लाभार्थी को कितना पैसा मिलता है, इसके बारे में आप लोग बात करेंगे वीडियो में। उसके बाद हम लोग का पांचवा जो है वो फॉर्म भरने में जब गलती हो जाए तो हम लोग कैसे सुधार करेंगे, कैसे हम लोग इसको सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में जानना। और छठा हम लोग का जो सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत सारा आप लोगों का कमेंट आया है कि RCS नंबर कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस सभी मुख्य टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ जितने भी लोग इसके बारे में कमेंट किए होंगे या जो लोग को इसकी ज़रूरत है, सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों का जो भी मतलब कि डाउट है वो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों का user ID एंड लॉगिन के लिए आप लोगों को बता दें, देखिए पहले यहाँ पर आप लोगों का ईमेल लिखाता था कि आप लोग ईमेल यहाँ पर डालें। अब देखिए यहाँ पर user ID दिखा रहा है कि आप लोग user ID डालें। तो आप लोगों को बता दें, हम लोग यहाँ बता चुके हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कैसे इसमें लॉगिन करते हैं, इसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि आपको password ID कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त करनी है, इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल्स वीडियो हम लोग पहले ही बता चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, उसका वीडियो आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कि हम लोग सिटीजन लॉगिन कैसे करेंगे, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर सर्च कर रहे होंगे तो आप लोगों के पास प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना डाट यहाँ पर देखिए आप एक ही आ रहा है कि PMM यानी कि लॉगिन आईडी ही आ रहा है। तो आपको क्या करना है, गूगल में ही आपको सर्च करना है, जैसे कि आप लोग सर्च टैब पे जाइएगा सबसे पहले गूगल पे, और आपको यहाँ पर लिखना है PMMVY लिख देना है। उसके बाद लिखना है आपको सिटीजन लॉगिन, यहीं पर आप लोगों को लिख देना है सिटीजन लॉगिन, यहीं पर आपको देखिए ध्यान रखना है सिटीजन लॉगिन आपको लिख के क्या करना है, सर्च कर देनी है। जैसे आप लोग सर्च करते हैं देखिए आपके सबसे पहले आपके पास ऊपर में पेज आएगा, एक बार ऊपर में देख सकते हैं कि आप लोग PMMYsoft.MIS. यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस आएगा, यहाँ आप लोग देखिए मोबाइल नंबर इंटर कीजिए और वेरीफाइड कीजिए और इसमें आसानी से लॉगिन कीजिए। तो ये तो आप लोगों का प्रोसेस है जो कि सिटीजन लॉगिन से करना चाहते हैं। अगर आप लोग पे ID पासपोर्ट, जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या आप कोई भी कार्यकर्ता है आपके पास पासपोर्ट एंड ID है, तो आप लोग क्या करें PMM. यहाँ पर क्लिक करें और आप लोगों का जो ID जो दिया गया है वो आप लोग यहाँ पर पासवर्ड इंटर करके आप लोग यहाँ से आसानी से इंटर कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों का था कि इंटर करना है। उसके बाद आप लोगों का जो सबसे पहला कमेंट आता है कि हम लोग का PMM में अकाउंट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं अपने आंगनवाड़ी आईडी से। आप लोगों को आईडी तो बता ही चुके हैं वीडियो में, तो चलिए हम लोग लॉगिन करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि अकाउंट हम लोग कैसे इसमें डालते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपके लॉगिन पेज आपको दिखेगा, आपको ऊपर में आपको दिखेगा कि आप किस लैंग्वेज में आप इस एप्लीकेशन को यानी कि वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। आपके पास दो लैंग्वेज आपको प्रेजेंट में अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पर हिंदी एंड अंग्रेजी में आपको यूज करनी है, तो आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको यूज करना है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के यहाँ पर जो आपको प्रोफाइल जैसा दिख रहा होगा, आपको लोगो जैसा एक यहाँ पर आपको दिख रहा हो, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका नाम आईडी दिखेगा, यानी कि जिसके नाम से ये आईडी है उसका नाम एंड आईडी दिखेगा। जैसे कि मेरे में यहाँ पर आईडी और नाम दिख रहा है, उसके बाद हम लोग किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो भी दिख रहा है। यहाँ पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट है कि चेंज पासपोर्ट, तो आप लोग चेंज पासपोर्ट पर क्लिक करें, और जो भी लोग यहाँ पर पहली बार एंट्री करते हैं यानी कि लॉगिन करते हैं तो वो अपना पासपोर्ट जरूर चेंज करें, क्योंकि इसमें आप लोगों के फ्रॉड से बच सकते हैं। कोई भी आपका मतलब कि आईडी अगर हैक कर लेता है तो आप लोग बच सकते हैं। तो प्लीज़ अपना आईडी को सिक्योर करने के लिए आप लोग यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करके जो भी मोबाइल नंबर मतलब लिंक है इस वेबसाइट के माध्यम से वही नंबर आप लोग यहां पर इंटर कीजिएगा, तो खुद ही अगर लिंक रहेगा तो खुद ही आपके मोबाइल पर OTP जाएगा। आपको पता होगा जो भी आपके कार्यकर्ता से यानी कि आंगनबाड़ी के आपको जो डाटा ऑपरेशन जो मतलब कि जो सरकारी से मोबाइल नंबर दिया गया था आपको, वही नंबर को इंटर कीजिएगा और वेरीफाइड पर क्लिक कीजिएगा, आपके पास OTP जाएगा, उस OTP के यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और आप लोग आसानी से पासपोर्ट को चेंज कर सकते हैं। पासपोर्ट को चेंज आप कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग आइएगा यहाँ पर, जैसे 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग होम टैब पे चला जाइएगा। यहाँ पर आप लोगों को देखिए मिलेगा डाटा एंट्री का ऑप्शन, यहाँ पर आप लोग डाटा एंट्री कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि आप लोग किसी लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन करना है न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आप लोग डाटा एंट्री पर ही क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं, उसके बाद सबसे पहले आप लोगों का बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। तो इसके बारे में तो आपको पता ही है कि आपको क्या क्या फॉर्म में भरनी है, इसके बारे में तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं। व्यक्तिगत जानकारी में आप लोगों का जो भी मतलब कि विवरण आप लोग यहाँ पूछा जा रहा है सभी को आप लोग पढ़ लिख के आसानी से भर लें, यहाँ पर सभी डिटेल्स आपको दिख जाएगा।
तो आप लोग सभी को अच्छे से भर लीजिएगा, सभी प्रमाण पत्र आपको जितना भी है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है भरने में तो आप लोग मेरा पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आप लोगों को बताया गया है कि इस प्रकार से आप लोग भर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को आप नीचे आना है, आपको यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन नहीं मिल पा रहा होगा, अकाउंट का ऑप्शन, यानी कि आपका अकाउंट आपको कैसे यहाँ पर डालनी है, ये आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए आप लोगों को बता दें कि आप अपना अकाउंट नंबर, अब आपको अकाउंट नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है इस वेबसाइट पे, क्योंकि अगर आपका जो भी आधार कार्ड प्रेजेंट में, अभी आधार कार्ड आपका जिस भी अकाउंट से लिंक है, मतलब कि प्रेजेंट में आप जिस भी अकाउंट में, अभी प्रेजेंट में मतलब कि हाल फिलहाल में जिस अकाउंट से आप लोग खुलवाए होंगे या जिस अकाउंट से आप लोग लिंक करवाए होंगे, उसी अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक, यानी कि आपका आधार नंबर यहाँ पर लिया जा रहा है, तो आपको अकाउंट नंबर डालने की जरूरत नहीं है, आपको डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट आपको पेमेंट कर दिया जाएगा, यानी कि जो भी आपका मोबाइल नंबर मतलब कि बैंक आपका लिंक रहेगा उससे आपको पेमेंट चल जाएगा। ये आपको निश्चित रहना है कि आपका बैंक कोई ना कोई लिंक ही रहेगा, हो सके आपका जो बैंक आप लोग बंद कर चुके होंगे वही लिंक रहे, तो आप लोग एक बार जाके बैंक में जब विजिट करें और अपना बैंक को अपडेट करवा लें अपने नए खाते से, तो आपका जो भी पेमेंट है वो अपने आप जाएगा उस खाते में। उसके लिए अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसे हम लोग चेक करें कि हमारा प्रेजेंट में अभी हम लोग का आधार कार्ड से कौन सा बैंक लिंक है, उसके लिए हम लोग एक विशेष वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए ला देंगे, तो आप लोग का कमेंट आएगा तो हम लोग जरूर लाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम उसके बारे में जानेंगे। अभी हम लोग जानेंगे कि आप लोगों का अकाउंट नंबर डालने का जरूरत नहीं है। दूसरा हम लोग का है सिटीजन लॉगिन, आप लोगों को बता चुके हैं कि सिटीजन लॉगिन आप लोग इसे ऊपर में सर्च कीजिएगा PMMY सिटीजन लॉगिन, तो आप लोगों के पास लिंक आ जाएगा, उससे आप लोग लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरा हम लोग का है PDF के संबंधित, तो चलिए हम लोग PDF के संबंधित चलते हैं। तो देखिए आपको इमेज या PDF के लिए आपको कुछ भी नहीं करनी है, आपको हम एक एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं, हम बिल्कुल भी इनका प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन अपडेट है, जो कि बेहतरीन ऐप है आपके स्कैन डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर आप लोगों को जो कोई ऐप दिख रहा होगा एक, यहाँ पर आप लोगों को डॉक स्कैनर इस ऐप का नाम है, आप लोगों को ये याद रखनी है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा डॉक स्कैनर एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर पर जानी है और आपको सर्च करके आपको ये डाउनलोड कर लेनी है। आपका इसका लिंक हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये हम लोग अगर देते हैं तो हो सकता है हमारे पर क्लेम कर दिया जाए, इसलिए हम आप लोगों को इसका लिंक आपको नहीं देंगे। लेकिन आप लोग क्या करें, आप लोग जाएं प्ले स्टोर पर, आप लोग वहां पर सर्च कीजिएगा डॉक स्कैनर एप्लीकेशन, आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, आसानी से आप लोग सर्च करके मंगा लीजिएगा। इस एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा और इस एप्लीकेशन से आप लोग अपने इमेज को जितने चाहें उतने कम PDF में, यानी कि कम MB में आप लोग PDF बना सकते हैं और आसानी से आप लोग अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग PDF को अपलोड कर लीजिएगा, तो इस प्रकार से आप लोग का PDF अपलोड हो जाएगा। अब हम लोग का तीसरा जो हम लोग का चौथा जो हम लोग का बहुत सारा कमेंट आया है आप सभी का, कि हम लोग का चौथा में सबसे पहले कमेंट आया है कि PMM में कितना पैसा मिलता है लाभार्थी को। तो आप सभी को बता दें कि PMM में आप सभी को पहली बार अगर आप लोग मतलब कि जो लाभार्थी माँ बनती हैं तो पहली बार आप लोगों को मिलता है 6,000, और दूसरी बार अगर यानी कि दूसरी बार जब उनका लड़की पैदा होता है, दूसरी बार में, पहली बार में आपको डिपेंड नहीं करता है कि आपका लड़का हुआ है लड़की हुआ, जो भी हुआ पहली बार में आपको 6,000 मिल जाएगा अच्छे से आप लोग फॉर्म भरते हैं, और दूसरी बार में जब आपका होता है तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करनी है और दूसरी बार में आप लोगों को मिलेगा 5,000, माने कि सब मिला के आपको एक लाभार्थी को 11,000 रुपये आप लोगों को मिलेंगे। प्रधानमंत्री 2.0 के तहत आप लोगों को 11,000 रुपये पूरी मिलेंगे, ठीक है, तो आप लोग श्योर हो गएंगे कि आप लोगों को 11,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद हम लोग का पाँचवा जो कमेंट है, पाँचवा में आप लोगों को बहुत सारा यहाँ पर जो आपका डाउट है और जो आप लोगों का दिक्कत हो रहा है कि फॉर्म भरने में अगर गलती हो जाए तो आप लोग कैसे सुधार करते हैं। तो देखिए अगर फॉर्म भरने में आपका कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ आप लोग क्या करें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से जाके संपर्क करें। अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही हैं, अगर आप लोग फॉर्म भरें तो आप क्या करें, यानी कि अगर आपके पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास आए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या करेगी, अपने LS से संपर्क करेगी कि ये लाभार्थी का डाटा आप उनको भेजिएगा कि इनका जो लाभार्थी उन्होंने सिटीजन लॉगिन या हमने ही फॉर्म भरा है इसके कारण इनका कुछ अकाउंट नंबर या मतलब गलत हो चुका है, प्लीज़ इसे एडिट कर लें, तो वो अपने ID से एडिट कर सकती है आसानी से। इसके बारे में हम लोग पहले भी वीडियो बना चुके हैं और जो भी मतलब कि LS कार्यकर्ता है वो जानती है, आसानी से वो जाके एडिट कर लेगी उस प्रोफाइल को, क्योंकि वही वेरीफाइड करती है तभी आगे पेमेंट के लिए जाता है। तो लेडीज़ कार्यकर्ता क्या है, वो फॉर्म को एडिट कर सकती है, ठीक है। ये हम लोग का पाँचवा था। अब हम लोग का लास्ट एवं छठा हम लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट आया है, हम लोग एक वीडियो बनाए थे कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन कैसे हम लोग की RCH नंबर हम लोग कैसे प्राप्त करें, उसके लिए हम लोग वीडियो बनाए थे सेल्फ रजिस्ट्रेशन के तहत, एक वेबसाइट था जिसमें हम लोग सर्च वेबसाइट के बारे में हम लोग कर सकते थे। लेकिन आप लोग अब क्या हुआ है, जैसे कि आप लोग अभी सर्च कीजिएगा गूगल पे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करते हैं RCH नंबर, देखिए अब वो वेबसाइट था जो हम लोग जब वीडियो बनाए थे तब वो
था, लेकिन अब वो वेबसाइट क्या किया है, वो क्लोज कर दिया गया है, अब वो वेबसाइट काम नहीं कर रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, RCH पोर्टल पर आप लोग जाइएगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो अब आपको ये जो यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो हटा ही दिया गया है। यानी कि पहले हम लोग जब यहाँ पर कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ से हटा दिया गया है। तो अब आप लोग सेल्फ रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग को RCH जो नंबर है वो आपको जो कार्ड आपको मिलता है MCP कार्ड उसमें भी नोट करके मिल जाएगा, या नहीं मिलता है तो आप लोग NM कार्यकर्ता से संपर्क करें, आपको NM ही आपको दे सकती है। तो आप लोग श्योर हो गए होंगे कि आपको RCH नंबर कहाँ मिल सकता है, आप लोग NM कार्यकर्ता से मांगें, उन्हीं से आपको नंबर मिल सकता है और आपको कहीं से ही नहीं मिल सकता है। और जैसे ही अपडेट आता है कि RCH नंबर कैसे मिल सकता है तो आप लोगों को हम बता देंगे वीडियो के माध्यम से। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सारे डाउट को समझ गए होंगे। अगर आप लोगों का अभी भी कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, कोई भी फॉर्म भरने में गलती होती है तो आप लोग फॉर्म हमें कमेंट करें, जैसे ही आप लोगों का कमेंट आएगा हम लोग जरूर से जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।